गुजरात के इन दो लड़कों आलोक सेठ और प्रशांत सिंह ने जब प्लास्टिक की पन्नियों को एक टेस्ट ट्यूब में रखकर खूब गर्म किया तो एक ऐसा पदार्थ प्राप्त हुआ इन्हें जो आसानी से जल सकता था। इन्हें लगा कि पेट्रोल जैसी कोई चीज हाथ लग गई है। प्रशांत के भाई को तो बिल्कुल यकीन नहीं आया कि ऐसा कुछ हो भी सकता है और ना ही इनके पिता ने इसमें कुछ खास देखा। लेकिन इन लड़कों के दिलो दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि इस सरल सी तकनीक को अगर अपने सूझबूझ की आंच दी जाए तो बात बन भी सकती है। प्रशांत क्या कर रहे हो? फिर से पौधे के साथ लग गए। तुम लोग कोई काम धाम नहीं है क्या? दिन भर और तुम भी आ लो, तुम लोग एग्जाम सर पे आ रहे हैं, पॉलिथीन के साथ लेके खेलते रहते हो। कुछ पढ़ाई लिखाई कर लो फिर हो जाओगे। क्या 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 इसका यूज किया है पॉलिथीन का? तुम क्या कर रहे हो इससे? जितना हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो गाय भैंस खा करके मर जा रहे हैं, हम उससे बचाना चाहते हैं उनको। और उससे हो सकता है कि अगर हमें कुछ नया मिल जाए, कुछ तेल वगैरह मिल जाए, तो वो हमारे बड़े काम आएगा। कैसे, क्या कर रहे हो तुम? तेल क्या निकाल रहे हो? कैसे निकाल रहे हो? क्या कर क्या रहे हो, मतलब बताओ, समझाओ। हम इसको गर्म करके और उसके जो वेपर्स हैं उसको कंडेंस करेंगे ना, तो उससे लिक्विड मिलेगा। उस लिक्विड को हम पेट्रोल की तरह यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा? अरे उससे बड़े फायदे हैं, हमें जो हम बाहर से तेल मंगवाते हैं हमें मंगवाना नहीं पड़ेगा। यार हाँ, ये बात तो सही है, दोनों लड़के सोच तो सही रहे हैं, दोनों ने कुछ किया तो है, बात में कुछ दम तो है। अगर ये हो गया तो पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल के बदले नई चीज आ जाएगी, मोटरसाइकिल भी डाल लेंगे और इसका यूज भी हो जाएगा। बात तो सही करो प्रशांत, तुम दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छी फाइंडिंग्स है, काफ़ी अच्छा रिसर्च है। देखो एक बात सुनो आलोक और प्रशांत, तुम दोनों ठीक है, पढ़ाई लिखाई अपना करते रहना, इसमें ध्यान केंद्रित करो, इसको अच्छे से करो, और इसमें कोई भी हेल्प चाहिए होगी मुझे बताना, किसी भी एक्सपर्ट से गाइडेंस चाहिए, कहीं भी जाना हो, कोई मटेरियल चाहिए हो तो बताना। तुम लोग अच्छे से करो, इस प्रोजेक्ट में दम है, इसमें इसकी काफ़ी वैल्यू है, इसे अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ो, लैबोरेटरीज एक्सपेरिमेंट्स करो, अच्छे से काम करो, ठीक है? चलो फिर दोनों अच्छे से काम करो, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? चलो। प्रयोगों के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि आलोक और प्रशांत बिल्कुल निराश हो जाया करते थे। जब प्रयोगों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं जुट पाई तो इन लड़कों ने लखनऊ का रुख किया और सोचा कि एक बड़े प्रयोगशाला में काम करने का मौका मिले तो अच्छा हो, लेकिन हाथ आई सिर्फ निराशा। अरे यार मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। क्या कर रहे हो आजकल? कुछ सोच रहा हूँ यार। सोच तो मैं भी रहा हूँ। अच्छा क्या बात है? यार मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि इतने ढेर सारे गाय मर रही है पॉलिथीन खा खा के, इतने ज्यादा कूड़ा कचरा हो रहा है पॉलिथीन से, और पॉलिथीन कितनी ज्यादा यूजफुल है, गवर्नमेंट से बैन लगाना चाहती है। ऐसा कैसे हो सकता है? पॉलिथीन कैसे कोई छोड़ सकता है, इतनी ज्यादा यूजफुल है पॉलिथीन। कुछ ना कुछ सोचना चाहिए हम लोगों को इस पर, काफी अच्छा टॉपिक है। क्यों ना ऐसा करें कि इसे हम किसी तरह खत्म कर दें। तो किस तरह खत्म किया जाता है? इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट ने किसी ने सोचा नहीं होगा आज तक। क्यों ना हम इसके बारे में कुछ करें। हाँ सोचना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। क्या ठीक है, चलो फिर अब हम लोग इस पर रिसर्च करेंगे। शुरू में इस प्रोजेक्ट पे हमारे दोनों बच्चों ने जो काम शुरू किया तो हम लोग लगता था कि ये क्या बकवास कर रहे हैं, और मगर बाद में जब ये लोग बहुत इसमें लगे हुए थे, बड़ा सर्वे करने चारों तरफ जा रहे थे सर्वे करने के लिए ये वो, तो फिर ये लगा कि कुछ काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो तुम? तो उन्होंने कहा कि पापा ये हम जो पॉलीथीन को इसको डिस्ट्रॉय करके जो इसका लिक्विड बनेगा उस लिक्विड को फ्लेमिंग करेंगे, उससे वो पेट्रोल का काम करेगा। तो हम लोग तो उसको हंसी मजाक में टाल दिया, हमने कहा ये बच्चे क्या करेंगे ये सब। मगर फिर ये यहाँ से इसके लिए लखनऊ गए, वहाँ पर इनको जो है अपने, पहले तो इन्होंने अपने कॉलेज में ही उसका एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद जो है फिर लखनऊ गए उसके लिए। तो यहाँ से आपके बॉम्बे से लिख के आया था टैलेंट से कि आप वहाँ चले जाइए लखनऊ, वहाँ पर आप कर लीजिए। तो वहाँ पर इनको करने नहीं दिया गया।
उसके बाद ये लोग वापस आ गए। फिर इन्होंने अपने लैब में और अपने घर में किया, एक दिन इन्होंने घर में पॉलीथीन को जो है लिक्विड बना के और फिर उस लिक्विड को गैस लाइटर से फ्लेमिंग करी, वो जल गया। तब हम लोग तब उस दिन जब हमने देखा तब हमको लगा कि इस प्रोजेक्ट पे कुछ दम है। जब ये लोग लखनऊ गए थे तो उस समय वहाँ पर उन्होंने कहा कि इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको इसकी कम से कम 1,00,000 रुपये फीस जमा करनी पड़ेगी। और फिर ये लोग वहाँ से वापस चले आए थे तो फिर हम लोगों ने फिर इन्होंने अपने घर में अपने से जो इनका मतलब अपना सोच थी उससे इन्होंने बनाकर जिससे पॉलीथीन को गलाकर उसके बाद लिक्विड बनाया, लिक्विड बनाकर उसकी फ्लेमिंग करी। घर पर काम करते हुए आलोक और प्रशांत कुछ वैज्ञानिकों से परामर्श करते रहे और अपने प्रयोगों को भी जारी रखा। इन दोनों ने लखनऊ स्थित नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक और नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों से अपने काम के बारे में समय समय पर बातचीत करते रहे। एक छोटी सी राह उनके सामने खुल गई थी। हम लोग ने इतने दिन से रिसर्च करी है, अभी तक ठीक से कुछ रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। हाँ वही मैं भी सोचा था कि इतने प्रैक्टिकल्स हम लोगों ने किए हैं लेकिन कुछ ऐसा है जो हम लोग भूल जा रहे हैं। हम लोगों को किसी टीचर से कंसल्ट करना चाहिए ना इसके बारे में, क्या फिर दिक्कत क्या आ रही है उसमें? क्या मैं भी पूछता हूँ। पूछो हेलो। हाँ सर मैं आलोक बोल रहा हूँ सर। वो जो प्रोजेक्ट के लिए बताया था सर आपको। हाँ सर। सर उस कैसे करें सर उसको? वो सर ठीक से रिजल्ट नहीं आ पा रहा है सर उसका। ठीक है। यस सर। हाँ सर। हाँ वैसे किया तो था सर। हाँ ये करना चाहिए। ठीक है सर। ओके सर। थैंक यू सर। उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो पॉलीथीन के साथ रिएक्ट कर जाती होगी, ये दिक्कत आ रही है। हाँ इसके बारे में तुमने सोचा ही नहीं। पॉलीथीन के प्रदूषण से चिंतित आलोक सेठ और प्रशांत सिंह को इस अन्वेषण में कुछ ऐसा जरूर दिखता है जो इन्हें हर समय इस पर सोचने को उकसाता है। किसे पता कि इनकी पारखी नजर जो देख रही है वो हमारी आंखों से ओझल हो। अभी तक इस प्रोजेक्ट के लिए इंटेल ने नेशनल लेवल पर साइंस फेयर के लिए सिलेक्ट किया है। इस अन्वेषण में आप लोगों को सबसे बड़ी तकनीकी मुश्किल क्या आई? हमें इसमें काफी समस्या का सामना करना पड़ा। जैसे हमें जो हमने पॉलीथीन को हीट किया उसको हमें वैक्यूम हीट करना चाहिए, दैट इज ऑक्सीजन के एब्सेंस में, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये ज़्यादा कार्बन बना देता है। सबसे बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम ये थी। और भी हमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं मिले, हम लोगों ने तो अपने लैब में जो इक्विपमेंट्स मिले उसी से टेस्ट किया और हमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स चाहिए। आपके इस अन्वेषण में नयापन क्या है? सबसे पहली खूबी ये है कि ये तो स्पार्क ऑफ अ गैस लाइटर जो हमने प्रोडक्ट बनाया वो स्पार्क ऑफ अ गैस लाइटर से चल सकता है। दूसरी खूबी ये है जो हमें एक रेसिड्यू मिला वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, वो कार्बन ब्लैक, हमने उसको टेस्ट करके देखा वो कार्बन ब्लैक है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं टायर इंडस्ट्री में और पॉलिशेस वगैरह में। तीसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी बात है कि जो पॉलीथीन की जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, जो आम इंसान पॉलीथीन को छोड़ नहीं सकता चाहे जितना ज़्यादा बैन लग जाए उस पर, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये रिमूव हो गई। अब इंसान पॉलीथीन को यूज़ कर सकता है, उसके बाद उसको फ्यूल के फॉर्म में यूज़ कर सकता है। हम लोग के देश को पेट्रोल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक ये भी फ़ायदा है कि ये हमारे गाड़ियों में पेट्रोल की जगह इसको यूज़ कर सकते हैं।
सारी चीजों को अगर अक्लमंदी से इकट्ठा किया जाए तो क्या आप यकीन करेंगे, लकड़ी की ये अलमारी नुमा चीज एक ऐसे फ्रिज में बदल सकती है जो बिना बिजली के काम करेगी। हाँ, बर्फ तो नहीं जमाएगी लेकिन फल सब्जियों को बिल्कुल ताजा रखेगी। अलाहाबाद की अमृता गुप्ता के इस अन्वेषण की प्रेरणा थी एक मुसीबत। मेरे गांव में जहाँ मैं मेरा मतलब कह सकते हैं मेरी दादी वादी रहती हैं बादशाहपुर, वहाँ पे बत्ती कम से कम सिर्फ 4 घंटे ही आती है, इसलिए मैंने ये सोचा था कि वहाँ पे जो खाने जो बच जाते हैं वो फेंकते हैं, तो मुझे लगा था कि ऐसी चीज़ बनाया जाए जिसमें आप प्रिजर्व कर सकें फ्रूट को, तो मैंने इसलिए बनाया था और ये मुझे घड़े से आइडिया मिला था। इन लकड़ी के फ्रेम्स में जब अमृता ने कोयले भरे तो सोचती रही कि किस तरह इनमें रस्सियों से पानी धीरे धीरे रिसता रहेगा और इस लकड़ी की अलमारी नुमा फ्रिज को कैसे अंदर से ठंडा रखेगा। इस फ्रिज की पहली खूबी तो ये है कि इसे चलाने के लिए किसी ऊर्जा या बिजली की जरूरत कतई नहीं है, और दूसरी ये कि गांव देहातों में लोग इसे खुद ही बना भी सकते हैं। ये विलेज फ्रिज है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता है। मैंने जब इसे बनाया था तो इसलिए बनाया था क्योंकि जो मेरा गांव है बादशाहपुर, वहाँ पे बत्ती बहुत कम आती है। वहाँ की बात छोड़िए, यहाँ पे भी गोविंदपुर में भी इतनी कम है बत्ती आने के वो, कि जब जाती है चली जाती है तो फिर आती नहीं है। वैसे इसके फ़ायदे तो बहुत है, इकोनॉमिकल है ये, और फिर एडिबल प्रिजर्व भी कर सकता है ये फूड। और आप जैसे हम लोग जो इलेक्ट्रिकल फ्रिज यूज़ करते हैं महंगा, उसमें जैसे हम लोग क्लोरोफ्लोरो कार्बन रहता है वो इसमें नहीं है, उससे हम लोग का इतना टॉक्सिक गैस है वो कि ओजोन लेयर हॉलो कर रहा है। और इसमें हमने रेफ्रिजरेटर के रूप में वाटर लिया है, और ये हम लोग ने सिंपली ऐसा बनाया है कि जिससे विलेजर्स जो हैं वो आराम से बना सकें, गांव वाले, उन लोग को तो मतलब कुछ ख़रीदना भी नहीं है इसमें। जैसे मैंने इसमें कोयला यूज़ किया है और जाली यूज़ किया है जो गाँव में आराम से मिल जाएगा, और ये वुड है, और इसमें मैंने पानी यूज़ किया है। ये ट्रे की जगह आप बर्तन कोई भी ले सकते हैं, और ये जूट की रस्सी है। इसमें मतलब कह सकते हैं कि गांव में आराम से लोग खुद बना सकते हैं, और हम लोग के लिए तो ये रहता है कि हम लोग को कारपेंटर की ज़रूरत होगी क्योंकि हम लोग खुद कभी कुछ नहीं बनाएंगे, तो हम लोग को लग जाता है 1000 के करीब। और इसमें फ़ायदा ये रहेगा कि आप जैसे हम लोग बस, हाँ एक चीज़ है कि इसमें आइसक्रीम नहीं जमा सकते हम लोग। आमतौर पर बिजली से चलने वाले फ्रिज CFC यानी क्लोरो फ्लूरो कार्बन का इस्तेमाल करते हैं जिससे ठंडक पैदा की जाती है, लेकिन जो पर्यावरण की दृष्टि से संदेह के घेरे में है। अमृता ने इस फ्रिज में CFC का प्रयोग क्योंकि बिल्कुल नहीं किया है, इसलिए भी ये अन्वेषण और भी फायदेमंद बन गया है। मेरा इनोवेशन है जो उसमें, तो पहले एक चीज है कि जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल फ्रिज में क्लोरोफ्लोरो कार्बन लगता है वो बहुत टॉक्सिक होता है। हमारे जो मैंने यूज़ किया है उसमें रेफ्रिजरेटर के रूप में मैंने वाटर यूज़ किया है, और दूसरा है ये प्रिजर्व कर सकता है फूड। जैसे आपकी ठंडियों में अगर आप हरी सब्जियां, या फिर मेरे पापा ये बेलपत्तियां रखते हैं, वो आपकी काली पड़ जाएंगी फ्रिज में रखने से, इसमें नहीं पड़ेगी। और जैसे आपके फ्रिज जो आता है बहुत महंगा पड़ जाता है, कॉस्टली पड़ जाता है, इसमें ऐसा नहीं होगा। और जैसे आप दूध वूध रखेंगे उसमें जहरीले पदार्थ फ्रिज में आते रहते हैं वो इसमें नहीं होगा, आपको उसमें ढक के रखना पड़ता है, इसमें आपको ढक के नहीं रखना पड़ेगा। मैंने मेनली ये काम इसलिए किया था क्योंकि मेरे गांव में मैंने बहुत जगह देखा है खाना ऐसे फेंक दिया जाता है, और ख़ासकर हम लोग को तो छोड़िए, अगर जो जानवर भी खाएंगे उनको भी बीमारी पकड़ लेती है। मैंने इसको रोकने के लिए ये किया है, और क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी टॉक्सिक रहता है, इसको रोकने के लिए किया। अगर आप अपने फ्रिज में सब्जियों को 1 हफ्ते छोड़ दें तो देखेंगे कि वो काली पड़ने लगी है। अमृता के इस फ्रिज में बस इतनी ठंडक होती है कि सब्जियां ताज़ा रहें, काली ना पड़े। रेफ्रिजरेटर में आपकी काली पड़ जाती है ठंडियों में, वो इसमें नहीं होगा, उसमें हरे के हरे रहेंगी। और जैसे आपका पानी इतना ठंडा हो जाता है कि आप अगर ठंडा समर्स में पिए तो आपको बीमारी हो जाएगी, और जैसे बैक्टीरिया उसमें आ जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें कोयले के प्रॉपर्टीज़ इतने हैं कि आप ऐसा बीमारी मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसमें आना संभव नहीं है। अमृता ने अपने इस फ्रिज में ठंडक पैदा करने के जो सिद्धांत अपनाए हैं वो प्रकृति से प्रेरित हैं। हमने जैसे इसमें प्रिंसिपल है मेरा इवेपोरेशन कैपिलरी एक्शन है और ग्रेविटी है, वो तो हम लोग साइंस में पढ़ते ही हैं, और ज़्यादातर पापा मम्मी से और फिर पेरेंट्स से मुझे गाइड तो मिला ही, और भैया से भी मुझे हरदम मिलता ही रहता है।
आठवीं क्लास में पढ़ते हुए अमृता को ऐसा फ्रिज बनाने की जब सूझी तो कई छोटे मोटे प्रयोग किए। कभी सफलता हाथ लगी तो कभी माता पिता से डांट। मैंने शुरू तो बहुत पहले कर दिया था, कम से कम मैंने 8th-9th में शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे हम टेम्परेचर तो लिए थे तो वो तो 99 में लिया था मैंने, जब मैंने हाई स्कूल का वो दे दिया था। तो आइडिया तो मैंने को पहले ही आ गया था, लेकिन ये रहता है ना कि आप तुरंत तो बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ नहीं बना सकते। मेरा पहले बहुत गड़बड़ियाँ भी आई थी, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी किया, तब जाकर मेरा ये मॉडल बना है। सबसे पहले तो कई एक्सपेरिमेंट चले थे, क्योंकि उसमें मैंने बालू वालू भी यूज़ किया था और फिर बहुत गंदा वंदा भी मैंने किया था, डांट भी खाए थे। चलना सीखते ही अपने एक हाथ में गेंद और दूसरे में अपने जूते लेकर स्कूल की तरफ चलते हुए खो जाने वाली लड़की आज अपनी मंजिल अच्छी तरह जानती है। शायद यही वजह है कि अमृता ने अपने जीवन के इस छोटे से सफर में अनेक सम्मान प्राप्त किए हैं। विकास की एक नई अवधारणा बनाने में प्रयोग धर्मी अन्वेषण, हुनर और स्थानीय संसाधनों पर आधारित जो संकेत अमृता गुप्ता की सूझबूझ ने दिए हैं, उसके लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के ग्रास रूट्स इनोवेशंस ऑगमेंटेशन नेटवर्क ने इन्हें सम्मानित भी किया है। इस तरह के उत्पादों की ज्ञान श्रृंखला में इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की मदद अगर अमृता को मिले तो हमें यकीन है कि वो कोई कसर नहीं उठा रखेंगी। आप भी अगर चाहें तो ऐसे फ्रिज का आनंद ले सकें। आइसक्रीम भले ही ना बना पाएं आप, लेकिन बिजली ना होने की वजह से आपको खाना फेंकना तो नहीं पड़ेगा। और वैसे भी हमारे गांव में आइसक्रीम इतनी जरूरी नहीं है जितना खाना। शायद इसीलिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने अमृता गुप्ता के इस फ्रिज पर विस्तृत अध्ययन करने के लिए और इसे और भी बेहतर बनाने के लिए IIT गुवाहाटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के ऊर्जा यांत्रिकी केंद्र में कार्यरत डॉक्टर महंता और उनके टीम को ये जिम्मेदारी सौंपी कि इसे हर तरह से जांचा परखा जाए, ताकि बाजार को ध्यान में रखते हुए इसकी कार्य प्रणाली को और भी कारगर बनाया जा सके। डॉक्टर महंता ने इसके लिए इस फ्रिज पर कई तरह के टेस्ट किए। ये टेस्ट करने के लिए लाया गया है, यहाँ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो है, जैसे कूलिंग कितना होता है डिफरेंट लोड में। लोड का क्या मतलब है? लोड मतलब यहाँ तरफ तरफ की सामान्य कूलिंग कर किया जाता है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज ए फ्रिज, यहाँ अंदर में दूसरा फ्रिज जैसा है ऐसा ही है। यहाँ तीन डिफरेंट चैम्बर्स है, यहाँ आप सामान रख सकते हैं, जैसे गोभी, टोमेटो, पोटैटो, एनीथिंग यू लाइक फ्रूट्स ऑल्सो, एप्पल, बनाना। तो ये कूल करने के लिए, ठंडा रखने के लिए और संरक्षण के लिए आपको ये एक डेफिनेट टेम्परेचर में रखना पड़ता है। जैसे आपको टोमेटो रखने के लिए 5 डिग्री सेल्सियस का जरूरत पड़ता है। इस फ्रिज पर आप किस किस तरह के और टेस्ट करना चाहेंगे? पहला टेस्ट होगा इसका, मैं डिटेल मॉड्यूल वाइज देखूंगा। एक मॉड्यूल होगा अंदर में और बाहर में टेम्परेचर डिफरेंस कितना आता है डिफरेंट वेरिएबल के लिए। जैसे यहाँ एक एक रोप दिया हुआ है, वो रोप को मैं चेंज करके इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा कर दूंगा, दैट मीन्स वाटर फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ एक रोप के जगह में 2-3 रोप दे देंगे, और यहाँ रोप ऊपर में ही हैंग हुआ हुआ है, मैं इसको एक वेवन नेट टाइप कर दूंगा, वो नीचे तरफ चला जाएगा, तो इफेक्ट ज्यादा होने की संभावना है। पानी के बहाव को क्या इस तरह बढ़ा लेना ही काफी होगा या कुछ और भी सोच रहे हैं आप? दो नंबर टेस्ट में मैं
ये बाहर में जैसे जाली यहाँ देख रहा है, अंदर में भी ऐसा जाली है, तो वो जाली को मैं हटा के वहाँ कंप्लीट अंदर का माहौल में इंसुलेटेड कर दूंगा और वहाँ कुछ होल्स रख देंगे, जो होल में थोड़ा सिलिका जेल्स रहेगा और सिलिका जेल रहने से बाहर से जो मॉइस्चर यहाँ चारकोल में दिया हुआ है वो अंदर घुस नहीं सकेंगे, तो अंदर का जो प्रोडक्ट है वो बेहतर कंडीशन में रहेगा। लेकिन सिलिका जेल तो एक बार नमी लेने के बाद ख़राब हो जाएगा। वो सही बात है, लेकिन 70 डिग्री तक आप सिलिका जेल का अगर हीट करेंगे तो जितना पानी रहेगा वो निकल जाता है, इसीलिए हम लोग एक मैकेनिज्म रखेंगे, वो मैकेनिज्म से सिलिका जेल को बाहर लाके फिर हीट करके अंदर डालें। मगर ऐसा कब तक चलेगा? और सबसे बड़ी बात कि गांव में कैसे पता चलेगा कि ये 70 डिग्री तक गर्म हो चुका है? मान लीजिए 10 दिन 15 दिन के बाद आपका फ्रिज का काम अच्छा नहीं चल रहा है, आपको पता चल जाएगा, उसी टाइम में आप सिलिका जेल को वो पैकेट से निकाल दीजिए, होल से निकाल दीजिए, निकाल के घर में जैसे हीट कर दीजिए। जनरली 70 डिग्री लगता है उसको हीट करने के लिए, वो हीट करने के बाद घर में तो ऐसे विलेज में पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसे हीट कर दीजिए, हीट करने के बाद आप उसको फिर वो होल में डाल दीजिए। और तो और, डॉक्टर मेहंता ने इस फ्रिज की रस्सियों के लिए भी एक प्लान बना रखा है। व्यापार प्रबंधन यानी बिजनेस मैनेजमेंट के विद्यार्थी इन उत्पादों के लिए अगर बाजार का सर्वेक्षण करें और व्यापार की रूपरेखा बनाएं तो चौंका देने वाले नतीजे सामने आ सकते हैं। टीम्स के श्रृंखला की नवी कड़ी में मिलिए विदिता दास और नवजोत पतंगिया से, जिन्होंने पौधों से न सिर्फ रंग निकाला है बल्कि कीटनाशक भी बनाया है।